नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब हाथरस की बिटिया के परिजनों की सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी। सीआरपीएफ के 100 से ज्यादा जवान इस परिवार की सुरक्षा में तैनात होंगे। शनिवार को सीआरपीएफ की बटालियन रामपुर के कमांडेंट मनमोहन सिंह पहले थाना चंदपा आए और फिर बिटिया के गांव भी गए। वहां उन्होंने पूरी स्थिति का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा। माना जा रहा है कि रविवार को सीआरपीएफ स्थानीय पुलिस से इस सुरक्षा का दायित्व तो अपने हाथ में ले लेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन रामपुर के कमांडेंट मनमोहन सिंह शनिवार को बिटिया के घर गए। पहले वो चंदपा थाने भी गए। वहां उन्होंने कोतवाली निरीक्षक चंदपा लक्ष्मण सिंह से जानकारी ली कि बिटिया के घर पर अभी तक कितना पुलिस बल तैनात है। उसके बाद वो खुद बिटिया के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बिटिया के परिजनों से पूछताछ की और वहां की स्थिति देखी। वहां सुरक्षा के इंतजाम और सुरक्षा के तमाम पॉइंट्स भी उन्होंने देखे। भौगोलिक स्थिति से गांव वालों ने भी उन्हें अवगत कराया। अब बिटिया के परिजनों की सुरक्षा में सीआरपीएफ की एक कंपनी जिसमें 80 जवान हैं वो तैनात रहेगी। साथ ही वहां पर महिला विंग की भी तैनाती रहेगी। इसमें सीआरपीएफ की 25 महिला सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कुल मिलाकर सीआरपीएफ के 105 सुरक्षा कर्मी गांव में तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के 80 जवानों की टुकड़ी तो रामपुर की बटालियन से आएगी, वहीं महिला सुरक्षा कर्मियों को भी बुलाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।